नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। UHV-3 के लिए जो हमारी तैयारी है उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहली बात तो ये ध्यान में आई थी कि इस बात को हम अपने आप में जांच कर देख लें कि क्या अब हमारा ध्यान स्वयं की ओर जा पा रहा है ना। तो पहले हम अपने बारे में हो सकता है कुछ मान्यताएं लेकर चल रहे थे, जैसे आई एम स्पेशल या मुझे डोमिनेट करना है दूसरे के ऊपर, ये हर दूसरा व्यक्ति मेरा विरोधी है ना, मुझे इन सबसे निपटना है, सो ऑन सो फोर्थ। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है ना। मेरा रियल गोल तो है वो निरंतर सुखपूर्वक जीना है मनुष्य के रूप में, और अब मैं अपने इच्छा विचार आशा के प्रति पहले से अधिक सजग हूँ। मेरे अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे, अंतर्विरोध थे, वो पहले से कम हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम देख पा रहे हैं कि सुविधा संग्रह मेरा लक्ष्य नहीं है। सुविधा की आवश्यकता तो है, परंतु संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है। इसी क्रम में हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने आप में जांच के देखें कि क्या हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़ा है। ये भी कल हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था कि क्या हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़ा है या नहीं, उसको हम नोट कर लें। फिर उसके बाद हम संबंध के महत्व को देख पा रहे हैं। तो डे वन पे ही हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें ये निकल कर आता है कि संबंध सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संबंध में मुख्य मुद्दा भाव का है जो सही समझ से इंश्योर होता है। तो ये बात हम अपने आप में देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। दूसरों से सही भाव की अपेक्षा करके सुखी होने की जो आशा बनाए रखते हैं, उसके मुकाबले अब हम स्वयं में सही भाव सुनिश्चित करके दूसरे के साथ शेयर करने का विचार करते हैं। इस चीज को भी हम अपने अंदर जांच के देख सकते हैं। और इसी क्रम में फिर ये एक निष्कर्ष सहज रूप से निकलता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। मैं अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार स्वयं हूँ। तो यदि मैं अपनी योग्यता पे काम करूंगा तभी मैं सुख की स्थिति में जी पाता हूँ। ये चार बातें हमने कही थी कल। भैया पांचवा भी एक मुद्दा है, उसको जरा एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो इससे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि आपको इस पूरी वस्तु को अब गंभीरता से, गहराई से समझने की जरूरत है। जी, कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, बताइए। कल मैंने अपने साथ एक एक्सरसाइज करी पूरा दिन। एक तो पहले स्टूडेंट के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम हुई उनके साथ डिस्कस करा बैठ के, तो उनको समझने की कोशिश करी, और फिर खुद भी एक निरंतरता में अपने आप को बनाए रखने का कोशिश करा। पर मैंने अपने पूरे दिन में अपने आप को देखा कि मैं दो तीन जगह ना, वो जो मेरी कॉन्टिन्यूटी है वो टूट रही है, क्योंकि वो एक पिछले मेरे जो संस्कार है ना वो आगे आ रहे। तो बच्चों के साथ जो मेरा डिस्कशन रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसमें मेरे को बड़ी हैप्पीनेस मिली और बच्चे भी खुश हुए। और बच्चों का ऐसा लगा कि मैडम बस ऐसे आके क्लास में पढ़ा के जाने वाला मिस नहीं, ये हमारे साथ कुछ को रिलेशनशिप अच्छा, भाई ऐसे लग रहा है कि मैडम में कुछ चेंज है आज के लेक्चर में। तो एक तो वो बहुत खुशी हुई। तो सर उसमें मेरे को इतना ज्यादा, भाई एक इतनी सी छोटी सी बात जो आपने समझाई कि हम लोग स्टूडेंट के साथ बैठ के कुछ प्रोग्राम प्लानिंग ऐसे करने चाहिए जो उनको प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछना चाहिए कि आप क्लास क्यों नहीं लेते, क्यों ऐसा है ऐसा। तो उसमें बच्चों ने मेरे सेम में चेंज देखा, वो उनकी फेस पे भी जो स्माइल था वो सेम मेरे पर भी था। तो वो एक एंजॉयमेंट का एक ऐसा रिलेशन स्टार्ट हुआ कि उनको भी बुरा नहीं लग रहा था, मेरे को बुरा नहीं लग रहा था। एक तो सबसे पहले ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हम लोगों को सबके लिए बहुत जरूरी है कि जिसमें एक स्टूडेंट हैप्पी हो और उसमें टीचर भी बहुत एक और रिलेशनशिप में रहेगा तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट आने ही आए, अच्छे आने ही आए। और सेकेंड, जब मेरा स्टाफ के साथ बिहेव रहा तो वहां पर मैं मेरी कॉन्ट्राडिक्शन शुरू, क्योंकि पिछली परंपराएं बनी हुई हैं वो टूटेंगी नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगी, और वहां मैं फोकस थी स्टूडेंट के साथ, पर बाहर आके मैं मेरा फोकस डगमगा गया तो उसमें गड़बड़ हुई। बस मैं थोड़ा सा और जी जी बढ़िया। सर नहीं तो हम तो कॉन्ट्राडिक्शन में ही रहते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये है, वो ऐसे हो सकता है, ये तो है ही ऐसे। पर वो चीज को मेरे दिमाग में आया, नहीं यार हम लोग जा किस ले रहे हैं, बच्चों के लिए तो जा रहे हैं, अगर बच्चा नहीं है तो हम भी नहीं है। फिर दिमाग में बहुत सारा बात चल रहा, फिर मैं कहा नहीं आज तो मेरे को बच्चों के साथ डिस्कस करना ही करना, सर की बात पर लेते। सर वो काम बहुत एक ऐसा काम रहा, उसमें सबका मैं देखा वो सब हार्मनी में थे हम लोग सब,
तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। जैसे इवैल्यूएशन की बात हो रही थी क्लास टेस्ट की, सेशनल की, मैं हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट करता हूँ, और उसमें ये होता है कि जब सेट करता हूँ पेपर, तो पहले मैं इवैल्यूएट नहीं करता हूँ, फर्स्ट आई होल्ड वन फुल लेक्चर और पूरे 60 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, जस्ट कैट लाइक 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, एंड फर्स्ट वी अराइव एट करेक्ट आंसर, आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या क्लास में पहले पोस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर स्टूडेंट जब एग्री हो एंड दे कैन डिस्कस डिबेट कि ये सही आंसर है या नहीं है या गलत है, और पूरा जब हो जाता है डिस्कशन, उसके बाद फिर मैं इवेल्युएट करता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को आधे मार्क्स का भी शिकायत नहीं रहे। और मैंने देखा कि इससे स्टूडेंट्स में इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि एक डेमोक्रेटिक फीलिंग होती है कि इंटरनेट पर भी आंसर गलत होते हैं, रेपुटेड आंसर जो ऑथर है उनकी किताबों में भी आंसर गलत होते हैं, समटाइम्स आई एम रॉन्ग माई सेल्फ ऑल्सो। ये यदि रियलाइजेशन हमारी फीलिंग्स में हो कि कई बार हमसे भी गलती होती है कि मिस प्रिंट हो जाती है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि जैसे कल एग्जाम लिया तो उसमें ये हुआ कि क्लास टेस्ट में जो कोड नंबर और ईयर ही मेरा गलत पड़ा हुआ था, तो रिलेशनशिप में यदि हमारा ध्यान रहे कि आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग समटाइम्स, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ऑन द अदर हैंड हम यदि ऐसा करें कि जैसे एक टीचर ने ऐसे भी किया था कि कोई ये आ गया स्टूडेंट और बोला कि मेरा इवैल्यूएशन गलत हुआ है, सब्जेक्ट इवैल्यूएशन था, मेरी टोटल गलत हुई है, और वो टीचर ने ये किया कि चलो ठीक है ऐसा है, अमुक जो तुम्हारा एक मार्क का गलती है ना, तो ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन है मैं उसमें एक क्वेश्चन में उसने चेक किया और वो रीवैल्यूएट करके उसका एक मार्क कम कर दिया और बोला कि अब तुम्हारा टोटल सही है जाओ। अब सोचिए उस स्टूडेंट में कितना फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन हुआ होगा कि एक मार्क बढ़ाने के लिए आया था, पर एक सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक टोटल है, किसी से भी हो सकती है, और वही हम ग्रेटफुली एक्नोलेज करके उसको मान ले कि अपनी भी गलती हो सकती है, तो वो हमेशा उसके लिए होता है कि चलो टीचर ने मेरे साथ जस्टिस किया है। ऑन द अदर हैंड हम यदि मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, कल ऐसा हुआ एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे बोला कि क्लास टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता हूँ और मेरी दादी एक्सपायर हो गई है। मैंने बोला कि ठीक है मैं क्लास टेस्ट 3 ले लूंगा, एक्स्ट्रा टेस्ट ले लूंगा और वो कर लेंगे उसको एडजस्ट। अब स्टूडेंट तुरंत जो है मेरे पाँव छू के चला गया। अब दूसरे टीचर ने देखा, उसने पूछा क्या बात हो गई, ये स्टूडेंट ने तुम्हारे पाँव क्यों छुए? मैंने बोला कि उसकी दादी एक्सपायर हो गई और जनरली मैं क्लास टेस्ट 3 लेता नहीं हूँ, आई एम सो बिजी, मेरे पास टाइम रहता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मेरी कॉम्प्लीमेंटारिटी यही है कि वो डिस्टर्ब है और मैं यदि कुछ कर सकता हूँ उसकी मदद, तो जो भी विद इन रूल्स है और जो हो सकता है तो मैं कर लूंगा। मैंने बोला जस्ट मुझे यही कि आधा एक दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन उस स्टूडेंट्स को मैं 0 मार्क्स नहीं दूंगा। तो ये मैंने देखा कि उससे इतना फर्क पड़ा, और वो स्टूडेंट के साथ एक दूसरा स्टूडेंट भी था, एक टीचर ने भी देखा, तो मैंने देखा कि जो आसपास के लोग हैं, जो सराउंडिंग्स में हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहते हैं, इन पर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस है कि इसमें यदि हम ध्यान दें, तो मैंने देखा कि जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी यदि है तो वो पूरे जगह पर स्प्रेड होती है, और वो यदि हम निगेटिवली करें तो फिर उसका जो वी गेट इन टू फीलिंग ऑफ अपोजिशन, और फिर वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, कंप्लेंट शुरू हो जाती है, डोमिनेशन और ये चीजें शुरू हो जाती है। तो हमको ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखना है, हमने ये देखना है कि स्टूडेंट जो है डेफिनेटली हमारा कॉम्पिटेंस उससे ज्यादा है, तभी तो पढ़ने आए हैं, लेकिन हमको भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और कई बार ये होता है कि हमारे जो आंसर है उसका परिमार्जन करने में पता चलता है कुछ गलती होती है, तो हमको अपनी गलती भी एक्नॉलेज करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, और वो यदि करे तो बहुत अच्छी फीलिंग सभी स्टूडेंट्स में जाती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया भैया, इनफैक्ट ये दोनों शेयरिंग हुई सुबह से और अभी आपने जो किया, तो इससे दिखता है कि हम जब स्वयं में समझ के लिए काम कर रहे होते तो कैसे पूरे वातावरण में एक परिवर्तन आता है। हम समझने के लिए काम कर रहे हैं परंतु हमारा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो क्लासरूम में टीचिंग है, उसमें भी एक क्वालिटेटिव शिफ्ट आ रहा है, हमारे बच्चों के साथ व्यवहार में, कलीग्स के साथ व्यवहार में, और इससे आप पाएंगे कि पूरे ट्यूशन के वातावरण में फर्क आता है। वो बच्चा जो बाहर जाके फीडबैक देगा कि इस कॉलेज में ऐसे फैकल्टी हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो एक छवि बनेगी समाज में, उससे भी एक आश्वस्ति का वातावरण बनता है कि ऐसे टीचर्स आज भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे साइबर लॉ एंड एथिक्स है, साइबर लॉ एंड एथिक्स में भी वही चीजें आ जाती है कि जो एथिक्स की बात आती है तो उसमें मतलब वो यूएचपी डेफिनेटली आ जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मैं उसमें ये सिखाता हूँ कि यूजर हैज टू बी केप्ट इन सेंटर, उससे आपको आईओ डिजाइन करना है, तो इनपुट आउटपुट स्टेज में यूजर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मतलब जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा कि मेरा टीचिंग कैसे अफेक्ट हो रहा है और यूएचपी कैसे इसमें आ जाता है हर चीज में, मतलब जो वैल्यू डायरेक्ट द स्किल्स जो बोलते हैं, तो वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो वैल्यूज है, तो वैल्यू एजुकेशन जब मैं खुद समझ पाता हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा जो ओरिएंटेशन है वो पूरा की पूरा बदल जाता है। मार्केटिंग रिसर्च, और मैंने देखा कि ये क्या क्या रिसर्च लोग करते रहते हैं,
तो कैसा ऐसा लगता है कि जैसे एसिक्स और वैल्यू से वो लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन यदि वैल्यू डायरेक्टेड यदि हो तो वही चीजें जो है हम उनको एथिकल चीजें भी सिखा सकते हैं और उससे जो हमारा स्किल एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसे डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि वैल्यूज डायरेक्ट द स्किल्स। तो उसे भैया वीरेंद्र भैया के बात सुन के जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था इन एक हफ्ते से। अभी क्या है बच्चे मेरे पास लेबोरेटरी है, वेरी कॉस्टली लेबोरेटरी है, 35 लाख 30 लाख 20 लाख का ऐसा इक्विपमेंट है। अब बच्चे बच्चों को हमने पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि इसमें काम करने के लिए आपको समझ की जरूरत है और उसके बिना आप नहीं कर सकते, जो नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। फिर भी कई बच्चे आराम से 15-20 दिन के बाद छुट्टी लेके आए। फिर हमने बोला है कि क्लास में ढंग से अटेंड करो और नोट्स ले लो, लेकिन नोट्स भी नहीं ले रहे थे, पढ़ के आने के लिए बोलते थे तो भी नहीं कर रहे थे। फिर पहले यूएचपी के पहले अगर ऐसा हुआ होता तो मैं सबको बाहर ही कर देता, एक ही बच्चा होता था वो एक ही क्लास में करता था। इस बार ऐसा किया हमने, पूरा क्लास कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट रखा, उसमें 50% मार्क्स नहीं आएगा तो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेगा, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो सिर्फ 4 बच्चे 20 बच्चों में से 4 बच्चे ही पास हुए। एक बच्चे वैसा ऐसा थे कि वो 9.5 नंबर लाई तो वो रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो सर मैं देख रहा हूँ कि ये जो लड़के 10 नंबर से ज्यादा लाए हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं, मैं इतना अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ तो भी मैं नंबर कम लाई, इसकी वजह से मैं रो रही हूँ। तो हमने उस स्केल को कम कर दिया। वो इतना खुश हुई कि सर आगे से मैं ध्यान दूंगी, ये मेरा थोड़ा सा अहंकार की वजह से, मैं मेरे को आता है इस तरह से, मैंने सही ढंग से नहीं पढ़ा। अब 2 दिन तो बाकी बच्चों को थोड़ा बाहर ही रखा, उनको करने नहीं दिया। फिर उनको बुला के डिस्कस किया कि अभी तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो बोले कि हम कर तो नहीं सकते हैं, अभी इतना बड़ा मशीन को अगर तुम मेरे जगह पे होते तो तुम क्या किसी को दे देते। तो उन्होंने अपने मिस्टेक रियलाइज किया, अब वो सब पुराना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं वापस। अब उनको कराएंगे तो सही, लेकिन वो धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका वो पहले से ही क्यों हम ये उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं बता पाए ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद भी समझ नहीं रहे। जी जी, क्योंकि वो केयरलेस रह रहे हैं, वो उनसे वो खुद भी दुखी हैं, लेकिन अब वो बाहर रह रहे हैं तो वो उसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। अब हमारा वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है इनको मोटिवेट कैसे किया जाए। जी देखिए, मोटिवेशन तो इसी रूप में होता है कि बच्चा वही कर रहा है जिसमें उसको सुख लगता है। तो जब उसको लगता है कि इस पढ़ाई लिखाई से सुख सुनिश्चित होने वाला है तो मोटिवेटेड होता है, और वो इन जनरल होता नहीं है। तो जब तक एजुकेशन वैल्यू बेस्ड हम ना सुनिश्चित कर पाए और बच्चे को ना दिखाई दे कि यहीं से मेरा सुख है, तब तक तो वेरिएशन रहेगा, वो फ्लक्चुएशन रहेगा। परंतु ठीक है, इस दौरान भी हम बच्चों से संवाद को बनाए रखें। अब जैसे कुछ आपने जो उदाहरण दिए तो उसमें जो ध्यान आकर्षण हुआ बच्चों का वो भी उपयोगी है। और इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे इस तरह के कई बार अनुशासनहीनता में जाते हैं तो हम बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करें, कई बार बच्चे उससे भी नियंत्रित होते हैं, पेरेंट्स से बात करें। क्योंकि ये हो सकता है कि बच्चों को ये लगता भी है कि जो अब कर रहे हैं उससे कोई निरंतर सुख तो नहीं होने वाला, परंतु वो जो दबाव है कोई संवेदना का, मान्यता घूमने फिरने का आदि, उसके कारण फिर ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं बच्चे। जी भैया, हाँ अच्छी बात है, पेरेंट्स से बात करें तो वो है ना इसमें समाधान निकल सकता है। ठीक है बढ़िया। इसे रूबी जी ने भी लिखा है कि 2019 से उन्होंने आज तक एक भी वर्कशॉप मिस नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। जी अब कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो ये 5 मुद्दे जो हैं हम लोग अभी ध्यान में लाए कि ये हमारी एक तरह से तैयारी है UHV 3 के लिए, है ना, इसको हम और देख लें। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो एक्सपेक्टेड शिफ्ट क्या है UHV 3 से अगर उसको देखें, तो अब Shift 1 की जो बात हुई UHV 2 के द्वारा, तो हम अपने आप में वो शिफ्ट देख पा रहे हैं और अब हम Shift 2 के लिए तैयार हैं। अब प्रक्रिया तो वही रहेगी कि हमें जांच परख करनी है अपने आप में, है ना, UHV 3 की भी वही प्रक्रिया है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि अब हम अस्तित्व की वास्तविकता को जानने समझने का
गहराई में अपने आप में एक आवश्यकता को महसूस कर पा रहे हैं और वैसा ही हम जीना भी चाहते हैं। अब ये जो कुछ शेयरिंग हुई तो उससे भी दिखता है कि आवश्यकता तो दिख ही पा रही है, तभी तो हम इतनी बार वर्कशॉप कर पा रहे हैं, तभी तो हम क्लास में बच्चों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, तो एक उपलब्धि की बात है। तो इसमें और थोड़ी गहराई लाने की जरूरत है और थोड़ा अपने को गति करने की जरूरत है और धीरे धीरे, मतलब धीरे कहें या ग्रेजुअली कहें, है ना, ये काम अपने आप में पूरा होना ही है। जी भैया नेक्स्ट लगाइएगा। अगर ऐसा नहीं देख पाते हैं, इस आवश्यकता को नहीं महसूस कर पाते हैं, तो हम शिफ्ट वन के लिए बहुत सारा प्रयास अभी करते रहते हैं और नहीं अगर हुआ है तो उसके लिए हम जरूर प्रयास करें। तो शिफ्ट वन को भी इंश्योर करना जरूरी है, यानी शिफ्ट वन में हमने क्या बात की थी अगर उसको थोड़ा रिकलेक्ट करें, तो जहां मानव को शरीर मान के जीते रहे थे, उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि मानव मय और शरीर का अस्तित्व है। जहां अस्तित्व को जड़ मान रहे थे, उसके स्थान पर अस्तित्व को शून्य में संपृक्त इकाइयों के रूप में देख पा रहे हैं, जो दो प्रकार से है। वैसे ही जहां हम लक्ष्य सुविधा संग्रह को मान रहे थे, अब हम निरंतर सुखपूर्वक जीने को ही लक्ष्य के रूप में देख पा रहे हैं, और जहां कार्यक्रम सुविधा को ही जुटाना रखना बचाना इन सब चीजों में लगे हुए थे, उसके स्थान पर हारमोनी को समझना, हारमोनी में जीना है, ये हम कार्यक्रम के रूप में देख पा रहे हैं। अगर ये शिफ्ट हमें हो पाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा और उसके लिए प्रयास करेंगे, है ना, ताकि ये शिफ्ट टू के लिए हम तैयार हो पाए, क्योंकि ये शिफ्ट टू थोड़ा और उससे आगे की बात है, अदरवाइज थोड़ा वो मिक्सअप होता रहेगा। तो जो साथी अभी तुरंत वर्कशॉप करके आए हैं या जो साथी एच वी टू नहीं किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा अभी ये काम थोड़ा सा मेहनत का है, उसमें दिन में अलग से समय निकाल कर थोड़ा एक बार बारीकी से ध्यान दे दें, जो ऑनलाइन वीडियोज अवेलेबल है उनको सुन लें, जो बुक है यू एच वी टू की उससे भी गुजरना उपयोगी रहेगा। अगर हमने नहीं पढ़ा अभी तक वो बुक, तो उसको पढ़ लें, तो इन सारे विधियों से कंटेंट की और क्लैरिटी हो जाती है और फिर जो हमारे प्रश्न बनते हैं और बारीक हो जाते हैं और हम जीने का और अच्छे ढंग से मूल्यांकन कर पाते हैं, है ना, चीजों को ओवरलुक करने के बजाय हम बारीकी से देख पाते हैं। जी तो बढ़िया, ये तैयारी अपने आप में बन पाई है कि नहीं उसको हम देख लें, ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। नेक्स्ट भैया, अब हम लोग जो एक्सपेक्टेड जो शिफ्ट एक्सपेक्टेड है ये चीज थ्री के द्वारा, उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो ये हम अपने आप में एक बार आकलन कर लें, अगर इतनी तैयारी हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसके लिए थोड़ा सा और होमवर्क जो अपने को करना है वो हम करके देख लें। तो एच वी थ्री जो है वो फर्दर शिफ्ट के लिए है ना, सेकेंड शिफ्ट के लिए है। तो ये देखने की कि अभी हमने ये देखा कि मानव मय और शरीर का अस्तित्व है, उसमें और बारीकी से देखें तो ये दिखता है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, शरीर तो साधन मात्र है। तो मैं और शरीर की पहचान अभी भी है, परंतु अब केंद्र शिफ्ट हो रहा है। तो पहले क्या था, जब मानव की बात होती थी, मनुष्य की बात होती थी, तो पहले तो कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली है ना इसमें और क्या बात करनी है। तो ह्यूमन बींग की बात हुई तो ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे, उसके शरीर की बात करेंगे, है ना, लुक्स की बात करेंगे आदि आदि। तो जब हम किसी मनुष्य को पहले देखते भी थे तो शरीर रूप में देखते थे, उसका चेहरा कैसा है, पहनावा कैसा है, बोलचाल कैसी है, ठीक। अब जब मनुष्य को देख रहे होंगे तो दो भाग में देख रहे होंगे, एक तो शरीर है इसके ऊपर ये पहनावा है, दूसरा मैं इसके अंदर भाव है। तो इतनी पहचान बनी। अब एक फर्दर शिफ्ट ये लेना है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन है। तो शरीर साधन है ये तो हमने कई बार कहा, परंतु मैं केंद्र में हूँ उसका अर्थ ये होता है कि अब जो काम होना है ना, वो मैं के अर्थ में होना है, शरीर उसके एक साधन के रूप में काम कर रहा है। अब अगर उसको बारीकी से कहा जाए तो जो विकास होना है वो तो मैं का होना है, शरीर तो सामयिक है, शरीर का कोई विकास तो होना नहीं है, विकास तो मैं का होना है, सेल्फ का होना है कि नहीं। तो फिर हम इस बात को ठीक से आकलन करते हैं कि अभी हम जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मैं का क्या विकास हो पा रहा है, ठीक है ना। अभी हम शरीर का जो प्रयोग कर रहे हैं, शरीर कितना उस विकास के अर्थ में साधन के रूप में काम कर रहा है, कितना हम उसको अन्यथा लगाए हुए हैं, ये सब आकलन के मुद्दे हैं। तो इसके पहले जो उन्होंने चर्चा की थी उसमें बात निकल के आती है कि मानव निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है,
अब उसको और थोड़ा क्वालिफाई किया जाए स्टेटमेंट को, तो ये निकल कर आता है कि मानव निरंतर सुखी होना चाहता है। जो समृद्धि का भाव है वो तो निरंतर सुख का ही एक भाग है। जब मैं शरीर को साधन के रूप में देख पाता हूँ तो सुविधा की आवश्यकता को मैं ठीक ठीक पूरी कर पाता हूँ और उससे मेरे अंदर सहज रूप से समृद्धि का भाव बना ही रहता है। तो शरीर के साथ व्यवस्था सुनिश्चित करने के क्रम में समृद्धि का भाव से एक नेचुरल आउटकम है। तो मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, और ये कैसे पूरा होता है? तो अभी तक हम लोगों ने कहा कि चार स्तर पर व्यवस्था को समझने, व्यवस्था में जीने से पूरा होता है। तो व्यवस्था को केंद्र में रखकर हम लोगों ने बात की, परंतु उस व्यवस्था का आधार क्या है अगर इसको देखें तो दिखता है सहस्तित्व है, जिसपे हम लोग अभी विस्तार से बात करेंगे। इस व्यवस्था का आधार भी क्या है? तो सहस्तित्व है। तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा कैसे पूरी होती है? इस सहस्तित्व को समझने से, सहस्तित्व के भाव विचार को सुनिश्चित करने से पूरी होती है। तो मेरी आवश्यकता क्या है? निरंतर सुख, और उसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या है? तो सहस्तित्व को देख पाना, समझ पाना, सहस्तित्व पूर्वक जी पाना, उस क्रम में सहस्तित्व का ही भाव विचार सुनिश्चित कर पाना कि नहीं। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका एक नेचुरल आउटकम है। तो एक बार मैं अपने अंदर सहस्तित्व को देख पाता हूँ, सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर पाता हूँ, सहस्तित्व का ही विचार करता हूँ, तो फिर मेरे आचरण में भी सहस्तित्व होता है। तब आप ये देख पा रहे होंगे एक शिफ्ट जो एक्सपेक्टेड है कि अब हम सहस्तित्व को केंद्र में रखकर पूरी बात रखने वाले हैं। तो आगे जो भी चर्चा होगी उसमें ये मुद्दा बार बार लौट कर आएगा, सहस्तित्व। और आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि जितनी बातें अभी तक हम करते रहे हैं, जितनी भी चर्चा की है, जांच परख किया है, अल्टीमेटली इसी सहस्तित्व का प्रकटन है। अगर कोर में देखें तो इतनी ही बात है कि अस्तित्व सहस्तित्व है, उसी को मैं देख पाता हूँ तो उसके आधार पर मुझे प्रकृति की पूरी व्यवस्था भी समझ में आती है। उसके आधार पर मुझे मानव मानव का संबंध, मानव शेष प्रकृति का संबंध भी समझ में आता है, मानव भी समझ में आता है ना। उसी को मैं देख पाता हूँ तो मानव को सुखपूर्वक जीने का जो कार्यक्रम है वो भी समझ में आता है। तो इसको भी अब मैं अपने आप में सुनिश्चित कर पाता हूँ तो नेचुरली जो एक्सप्रेशन होता है बिहेवियर में वो परस्पर पूरक होता है। जब मेरा आपसे सहस्तित्व है तो मैं आपके सुख के अर्थ में हूँ, आप मेरे सुख के अर्थ में है, यही तो म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर हुआ। जब मैं प्रकृति के साथ कार्य करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं इस प्रकृति के संवर्धन के अर्थ में हूँ, प्रकृति मेरे शरीर के संवर्धन के अर्थ में है कि नहीं, तो वहां भी मुझे वही सहस्तित्व दिखाई देता है, उसी का प्रकटन होता है। और जब मैं योजना कार्यक्रम बनाता हूँ समाज के लिए, प्रकृति के लिए भागीदारी करता हूँ, तो वह भी इसी सहस्तित्व का प्रकटन है। तो ये फर्दर शिफ्ट हम लेना चाहते हैं। भैया मेरा ये पहले भी, मतलब पहले वाले सेशन को भी मैं सुन रही थी, यहाँ पर भी यहाँ पर ही मेरा वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जब कोएग्जिस्टेंस हम लोग प्रकृति में देखते हैं तो वो दिखता है ना, जैसे कि प्रीवियस सेशन में बताया था दीदी ने कि अपने आप ही पेड़ उग रहे हैं, उसमें कोई किसी का सहयोग नहीं है, और प्रकृति हमें जिस रूप में हमें दे रही है नेचर को मेंटेन करने के लिए जो उसका सहयोग वो भी हमें दिखता है। पर अगर हम सोसाइटी में थोड़ा सीट डाउन होके देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ, तो वहाँ पे करप्शन भी नज़र आता है, वहाँ पर मुझे हारमोनी दिखती नहीं है। ऑल दो आई एम नॉट डिस्टर्ब, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या अपोजिशन वाले पार्ट में नहीं जाते, पर फिर भी मुझे हारमोनी नहीं नज़र आती। मतलब वो थोड़ा मुझे क्लैरिटी चाहिए कि What does it mean? Coexistence in society means what? It means कि हमको naturally acceptable तो coexistence ही है। हाँ जी। और जैसे मैं इस coexistence से deviate करता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। तो समाज में अगर आप देखें तो जो भी मनुष्य हैं, ठीक है ना? हाँ जी। इस सत्यत्व को समझ पाते हैं, जी पाते हैं तो सुखी हो पाते हैं। जैसे इसे deviate होते हैं, इसके अन्यथा भाव विचार रखते हैं, वैसे दुखी होते हैं। तो हमारा सारा दुख इसी बात का है कि हम सहस्तित्व को नहीं देख पा रहे, नहीं जी पा रहे। तो चूंकि सहस्तित्व बना हुआ है, इसलिए जैसे ही मैं उससे अन्यथा जीता हूँ, जैसे मैं उस अन्यथा कोई विचार भी करता हूँ, कोई भाव भी अपने अंदर तैयार करता हूँ, मैं परेशान होता हूँ। यही सहस्तित्व का प्रकटन है। तो हम सभी इस सहस्तित्व को समझ कर जीकर ही सुखी हो सकते हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है।
माने इसका इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि को एग्जिस्टेंस हमको खुद में देखना है रादर देन लाइक समाज में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है, मेरा क्या रोल है टुवर्ड सोसाइटी ये देखना है, ये मेरा को एग्जिस्टेंस होगा। आप फिर से कहिए। मैंने जो जैसे मैंने बताया ना अभी कि समाज में बहुत सारे करप्शन दिखते हैं, लोगों के जो रोल्स एंड ड्यूटीज हैं वो लोग प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हार्मोनी नहीं दिखती, डिसहार्मोनी दिखती है। तो क्या इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हम जो मैं अपने में देख पा रही हूँ, मैं अपने में सेल्फ को देख पा रही हूँ, बॉडी को देख पा रही हूँ, तो मुझे अपने में ही सोसाइटी से हार्मोनी मेंटेन रखना चाहिए और मेरा क्या रोल है उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग। हाँ, तो उसमें हम ये करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे कि अपने अंदर संस्कृति को समझने और जीने का हम एक निश्चित निष्ठापूर्वक अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, समाज में जो कुछ चल रहा है उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक चल रहा है तो भी, नहीं चल रहा है तो भी। देखिए क्या होता है, समाज में बहुत कुछ ठीक भी चल रहा है, बट थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जो नहीं ठीक चल रहा है हम उसको केंद्र में ले आते हैं, तो बहुत कुछ ठीक भी चल रहा है उसका हम प्रॉपर मूल्यांकन करेंगे और फिर उसमें अपनी भागीदारी, अपनी पूरकता सुनिश्चित करेंगे। आप पाएंगे कि कमरे में बैठे बैठे तो ये संस्कृति दिखने वाला नहीं है, है ना, इसके लिए तो हमको जी कर देखना होगा परिवार में, समाज में। तो जितना जितना मैं समाज के साथ पूरकता को निर्वाह करने में जाता हूँ उतना उतना मेरा स्वयं में भी इसकी समझ बनती है। इसलिए कई बार हम लोग कह रहे ना कि सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट सोसाइटल डेवलपमेंट। तो जितना मैं सोसाइटी के लिए पार्टिसिपेट करता हूँ उतना टीम का डेवलपमेंट होता है, जितना टीम के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता हूँ उतना सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जितना सेल्फ डेवलपमेंट होता है उतना टीम को वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो समाज में भागीदारी करते हुए स्वयं का विकास होता है, स्वयं का विकास करते हुए समाज में भागीदारी सुनिश्चित होती है। ये साथ साथ चलते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम फिर उसका विचार ही कर पाते हैं, वो समझ का हिस्सा नहीं बनता। जी नमस्ते। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे कुछ दो तीन एक्सप्लोरर हैं, उनकी भी थोड़ा मैंने बातें सुनी, सर आपके भी जवाब सुने, तो थोड़ा सा मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बारे में भी ये चीज कि मैं समाज से काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने एरिया का RWA का प्रधान भी हूँ कॉलेज के साथ साथ में, तो सोसाइटी में काफी उठा बैठा हूँ, लोगों के साथ खूब मिला जुला हूँ। लेकिन मैंने जो एक चीज नोट करी है कि समाज में मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, इश्यूज देख रहा हूँ, सारी चीज देख रहा हूँ, लेकिन उसको सॉल्व मैं जब करूंगा जो वो मेरे अंदर कॉम्पिटेंसी देखेंगे, और वो चीज हमें यहाँ UHV से सीखने को मिलती है कि हम अपने आप को सेल्फ, अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को, जैसे आप गांधी जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, गांधी जी ने अपने आप को डेवलप किया, सब कुछ किया, तब लोगों ने फॉलो किया। अब रही बात कंटेंट की, अभी एक भैया कह रहे थे कि कंटेंट पे फोकस करो, कुमार जी कंटेंट खूब लिखा पड़ा, यूट्यूब भरा पड़ा है सब चीजों से, लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ पर जो डायलॉग करते हो आपस में एक दूसरे से डिस्कशन होता है, मेरे ख्याल से वो बेहतर है, और क्योंकि वो हमारे को अंडरस्टैंड करता है, माइंड में जाता है चीजों को, हमें उसको अपनी कॉम्पिटेंस को मतलब जो डेवलप कर रहे हैं हम लोग इसको कि प्रॉब्लम हमें दिख रही है चारों तरफ की, ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समर्थवान बनना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। जब तक हम खुद मजबूत नहीं बनेंगे हम किसी को भी मजबूत नहीं बना सकते, ये मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया मदन भैया, एक अच्छी बात यह है कि आप हाल में ही जुड़े हैं बट आपने वॉलंटियरिंग काफी बड़े पैमाने पर करनी शुरू की है। जी यस सर, यस यानी अश्विनी जी जो कह रहे हैं आपसे ही सीख रहे हैं सब, आपसे ही सीख रहे हैं सब, ज्ञान है, किताबें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ये डायलॉग होता है ना कन्वर्सेशन, तो वो उस चीज से ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर, क्योंकि किताबों में लिखा है ठीक है। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, मैं आपको बताऊं, मेरे को कोई भी मेरे सामने पढ़ता था कुछ ही पढ़ता था ना, मैं जब तक किताब में उसको पढ़ना लू ना जब तक मेरे को मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था। मैं बताऊं कुमार जी आपको, मैं सोचता था मैं किताब पढ़ लूंगा ना, उस चैप्टर को पढ़ लूंगा तब मैं सेटिस्फाई हूंगा, लेकिन अब आपको देख के मैं रियली कह रहा हूं, मैं कंटेंट एक दो बार देखे थे, अब जब से मैं ये लेने लगा हूँ इंग्लिश में भी FBP और ये सारी मीटिंगें वगैरह, सर मैं बिल्कुल ये कंटेंट देखता नहीं हूँ, कंटेंट बस आपके स्क्रीन में दिखते हैं और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो जवाब देते हैं, बस उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, वो कंटेंट अपना आप ही माइंड में रिवाइज हो जा रहा है, और एक्चुअल में उस कंटेंट को मैं सभी से कह रहा हूँ उस कंटेंट को बिल्कुल आत्मसात कर दो,
अच्छी तरह समझने लग जाओ, अपने आप को डेवलप कर। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं डेवलप कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तभी आप समस्या तब देखो जब आप उसका समाधान कर सकते हो और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ। ठीक है, थैंक यू सर। बढ़िया भैया जी। तो जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट है वीएचपी 2 आईओपी 3 से, तो वीएचपी 2 से हमें ये शिफ्ट मिलता है कि हम देख पाते हैं कि मानव जो है मैं और शरीर का अस्तित्व है। उसी क्रम में ये हम देख पाते हैं कि मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, है ना। अच्छा, ये नीचे का ढक गया था। तो अगर वीएचपी 2 से पहले देखें तो स्थिति ये थी कि हम मानव को शरीर मानते थे और हम सुविधाओं से सुखी और समृद्ध होने में लगे हुए थे। हम दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर या शरीर से मिलने वाली संवेदना को पाकर सुखी होने में लगे हुए थे और ऐसी भ्रांति थी हमारे अंदर कि सुविधा की आवश्यकता अनंत है। आरबी पाटिल जी एक कल से प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो हम ऐसा माने हुए थे कि सुविधा की आवश्यकता अनंत है और इसीलिए सुविधा संग्रह उसको असीमित मानते हुए, अनंत मानते हुए उसमें लगे हुए थे। वीएचपी 2 से हमको ये शिफ्ट मिला कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, मानव शरीर मात्र नहीं है, ठीक है ना। और मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ जो सिर्फ शरीर की आवश्यकता है। सुविधा से ये सुख की आवश्यकता और या समृद्धि की आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है, है ना। क्योंकि सुविधा शरीर की आवश्यकता है और शरीर के लिए तीन ही क्रम में आवश्यकता है, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए, शरीर के सदुपयोग के लिए। ये भी थोड़ा सा एक बारीक मुद्दा है ना, इसको भी हम ऑब्जर्व कर लें। इस चीज को हम थोड़ा आकलन करके देखें कि क्या ये शिफ्ट हमको मिल पाया है। जैसे अभी आज के दिन हमारे घर में जितनी सुविधाएं हैं उसका हम एक बार आकलन करके देखें कि वो किस अर्थ में है। क्या वो शरीर के पोषण के अर्थ में है, क्या वो शरीर के संरक्षण के अर्थ में है, क्या वो शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है या अन्यथा है। तो एक नजर जरूर हम अपने घर में सारी वस्तुओं पर दौड़ा के देख लें, ये भी आज के लिए एक असाइनमेंट हो सकता है, और देखें कि क्या ये जो सुविधाएं हमने जुटाई हैं ये इसी अर्थ में है या इसे अन्यथा भी। क्या होता है कि यदि हम सुविधाओं से सुख पाने जाते हैं तो हम किसी तरह अपने आप को आराम देने के लिए या थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए, है ना, तनाव मुक्त होने के लिए हम कमरे में सामान को बदलते रहते हैं, नई नई सुविधाएं लाते रहते हैं, उनके रंग बदलते रहते हैं, ठीक, उनके प्रकार बदलते रहते हैं कि किसी प्रकार से इस तरह के अनुकूल संवेदना पाकर मैं अपने अंदर आराम पा जाऊं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम घर में बहुत सारा सुविधा जुटा लेते हैं जो अनावश्यक है या जो आवश्यक है उसको बार बार बदलते भी रहते हैं। नहीं, फर्नीचर है बैठने के लिए है, अब हर 6 महीने पर बदल रहे हैं, ठीक है ना। बेडशीट है, अभी वो 2 साल चलेगा, हर 2 महीने पर बदल रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा एक बार देखना जरूरी है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है आपसे कि वीएचपी 2 से गुजरने के बाद, यानी अभी तक जितना आपने कंटेंट सुना, क्या आप सुविधा की आवश्यकता को इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं कि या तो शरीर के पोषण के अर्थ में है या संरक्षण के अर्थ में है या सदुपयोग के अर्थ में है। अगर अन्यथा भी हम जुटाने में लगे हुए हैं, ठीक, तो अनावश्यक। ये प्रकार से हम देख पाते हैं कि हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं, व्यवस्था में जीना चाहते हैं, यही हमारे सुखपुर जीने कार्यक्रम है। ये वीएचपी 2 से शिफ्ट मिलता है। आगे जो वीएचपी 3 से शिफ्ट मिलने वाला है वो ये है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है और मेरी आवश्यकता निरंतर सुख समृद्धि के रूप में तो है, परंतु मूलतः देखें तो निरंतर सुख की है। समृद्धि का भाव उसका एक भाग है, ठीक है ना, और ये मेरी आवश्यकता है। और ये जो पूरा होता है वो अस्तित्व को समझने से, अस्तित्व के भाव विचार को सुनिश्चित करने से पूरा होता है। देखने में तो एक स्लाइड है ना, 2 एरो बने हुए हैं, परंतु एक एक एरो में हमारा पर्याप्त समय लग सकता है, ये पूरी शरीर यात्रा भी लग सकती है। तो काम तो देखें तो गहराई का है ना, बड़ा काम है। कितना समय लगेगा वो हमारी अपनी तैयारी पे है, हमने अभी तक जितना अपने आप को लगाया है समझने में, जीने में, उससे है। बट ये शिफ्ट तो एक्सपेक्टेड है। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। ये जो सुविधा के जो हम अक्यूमुलेशन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसकी जो बात है, एक्चुअली हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास कुछ पुराने लोग हैं जो हर चीज को मैक्सिमम यूज करते हैं,
और हम कई बार देख के ऐसे लगता है इन्होंने ये भी संजो के रखा हुआ है, इन्होंने ये भी रखा हुआ है, कई बार इतनी पुरानी चीजें भी उनके पास रखी हुई मिल जाती है जो वो फेंक नहीं पाते, उनको लगता है कि कहीं कभी तो हम यूज करेंगे कभी तो। और आज के मतलब आज की लाइफस्टाइल में या आज का जो एक नए टाइप का थिंकिंग है कि हमको सब चीज लीन रखना है, मतलब जो अभी यूज में हो रहा है बस उतना ही लाइए उतना यूज कीजिए, इस टाइप का है, तो ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। और आजकल चीजें भी मार्केट में ऐसे मिलती है, पहले तो पेन मिलते थे, पेन उसकी हम रिफिल चेंज करते थे, अब तो हमको इच्छा ना होते हुए भी पेन को फेंकना पड़ता है और दूसरा पेन खरीदना पड़ता है क्योंकि रिफिल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या पेन ही ऐसे बन रहे हैं कि जिनके रिफिल चेंज नहीं होते। तो इस टाइप का जो सिनारियो है इसमें लाइफ को ऐसे मतलब नेचर के साथ एग्जिस्टेंस में या नेचर को कम हार्म करते हुए लाइफ को लीड करना डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी बढ़िया शेयरिंग आपकी, तो इससे कई चीजें ध्यान में आती हैं। जैसे एक संभावना तो ये है कि पुरानी वस्तुएं हैं ठीक, और हम उसको बना के रखे हुए संजो के रखे हुए, बट ना हम इसका सदुपयोग करें ना किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, बना हुआ है ना घर में बहुत लंबे समय से, तो एक तरफ से देखिए तो वस्तु तो है परंतु उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे, हमने उसको बस बना के रखा हुआ है ठीक। दूसरी संभावना है कि वस्तु है हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं और उसको तभी हटा रहे हैं जब वो अब उपयोगी नहीं रहा। तो जैसे एक बात जांचने की है कि आज के दिन हम देखें कि कितने कपड़े ऐसे हैं जो हम फटने के बाद हटाते हैं या छोटा होने के बाद हटाते हैं, और कितने कपड़े ऐसे हैं जो फैशन से जाने के बाद हम विदा कर देते हैं। तो ये भी ध्यान में आएगा कि जो मॉडर्निटी है उसमें सिंपली उतना नहीं जितना आपने कहा ना, अभी ये जो कॉर्पोरेट में बच्चे जॉब पाते हैं और हाई पैकेजेस मिलते हैं ठीक, 20 लाख 25 लाख से इनका काम ही शुरू होता है, पैकेज शुरू होता है। ये कोई भी कपड़े लाते हैं दो बार चार बार उसको धोते भी हैं है ना, और उसके बाद फिर हटा देते हैं कि अब तो ये हो गया पुराना हो गया, अब ये पहन के ऑफिस कौन जाएगा ठीक, अब इसको बदलने की जरूरत भी है क्या। एक दूसरा मुद्दा ये, एक मुद्दा हो सकता है कि घर में है ना कुछ अभ्यास हो सकता है, बड़े बुजुर्गों के साथ भी हो सकता है कि कोई सामान रखे हैं बरसों से रखे हुए हैं, ना सदुपयोग करें ना शेयर करें ना किसी को दे रहे हैं। दूसरा है कि ला रहे हैं है ना, बट जैसे ही लगा कि अब उससे संवेदना अब उतनी अनुकूल नहीं लग रही जितनी पहले लगती थी, तो उसको हमने प्रयोग करना बंद कर दिया है, दूसरे को दे दिया। अब उसमें देखें भाव क्या है, दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना हमारा भाव है या हमने सिंपली इसलिए हटा दिया क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गया है या अगला व्यक्ति उसको देख के अब सम्मान नहीं देगा हमें, ये दूसरा मुद्दे है ना। तो एक ये भी एक संभावना है। अब तीसरी बात यह है कि आज के दिन कई सारी वस्तु बना ही ऐसे रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, वो बनाया ऐसे जाता है कि तुरंत ऑब्सोलीट हो जाए। तो जैसे पेन में अब हम रिफिल नहीं बदल पाते, पेन ही बदलते हैं, परंतु मैंने आज के दिन भी देखा है कि पेन के रिफिल मिलते हैं है ना, और आप रिफिल बदल भी सकते हैं। वो थोड़ा सा हमारे भी अभ्यास में ऐसा आ गया है कि अब कौन उसी पेन को चलाता रहेगा और रिफिल बदलता रहेगा, 3 रुपए का रिफिल है 5 रुपए का पेन है तो चलो पेन ही ले लेते हैं कि नहीं। तो अभी उतना ज्यादा भी नहीं है, कम से कम भारतीय समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको भी देख लें। बट मुख्य बात यह है कि अभी जितनी चीजें हमने जुटा कर रखी हैं घर में, क्या वो इन्हीं 3 प्रयोजनों से है, यानी शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में, या अन्यथा। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए ऑक्शन होते हैं पेंटिंग्स के, करोड़ों में पेंटिंग खरीद के लाते हैं कि नहीं, अब वो किस अर्थ में, उससे शरीर का पोषण हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, या अन्यथा। उस पेंटिंग के समाज की व्यवस्था भी अगर ठीक से निरूपित होती, जिसको सामने रख के लोगों को समाज की व्यवस्था समझाई जा सकती थी तो बहुत अच्छी बात है, उसको देख के समाज में अव्यवस्था ही लगती है ना, और हम ले आते हैं उसको प्रकृति में, कहीं अव्यवस्था ही हम दिखा रहे हैं उसको जिस रूप में बना दिया है, और उसको ले आते हैं। अब इतना सारा हम पैसा खर्च करते हैं, अभी आप देखिए घर में ना डेकोरेशन में कितना सारा हम पैसा खर्च करते हैं, क्या होता है इन सब चीजों को अगर हम आर्टिकुलेट ना करें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान कभी पूरी नहीं हो पाती और समृद्धि का भाव बनता नहीं, और हमेशा लगता है इसमें कुछ और इन्वेस्ट करना बाकी रह गया है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। फर्नीचर तो लाए थे 6 महीना पुराना हो गया है बैठे बैठे है ना, अब एक नया डिजाइन का फर्नीचर आ गया है
उसमें ये आर्टिस्टिक चीज है, क्यों ना नया ले आया जाए। अब हमने जाकर उसको बदल दिया या फेंक दिया, है ना। अब ये कोई हमने उसे सदुपयोग के भाव से नहीं किया, सिंपली इसलिए क्योंकि संवेदना तृप्त नहीं हो रही कि नहीं। लेकिन सर जो बदल दिया फेंक दिया वो मैं ये दो चीजों को रिलेट कर पा रही हूँ। कैसे? अभी मुझे ये क्लियर हुआ कि जो चीज को हम फेंक दे रहे हैं, हमारी हमारे इस सदुपयोग से निकाल दे रहे हैं, वो अगर शेयरिंग के टर्म में जा रही है, किसी और की जरूरत को पूरा कर रही है, तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इंडियन वहाँ पे भी हम क्यों कोई चीज लाए यूज करें और उसके बाद दूसरे को दें, अगर हम दूसरे के साथ शेयर ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ को शेयर करेंगे, संबंध के भाव को शेयर करेंगे, फिर उसको अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी करने के लिए स्वावलंबी बनाएंगे, न कि अपना, है ना, यूज किया हुआ चीज उसको दे देंगे। ये तो ऐसा है कि हमको बदलना है और हम फेंकते तो जीरो पैसा मिलता, किसी को दे दिया हमने तो कुछ तो मिला, तो हमने वहां पे भी मॉनेटरी पॉलिसी एक लगा दी कि नहीं। अभी ऐप आते हैं ना, बेच दे, एक ओएलएक्स का ऐप आता है बेच दे, तो हर छह महीने में आप पुरानी चीज बदल दी। इनफैक्ट जो स्टोरी ऑफ स्टफ वीडियो है उसमें बताते हैं कि अमेरिका में ये प्रचलन हो गया है कि छह महीने में 99% चीजें लोग बदल देते हैं, ट्रेंड सा बन गया मॉडर्निटी का। थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगी सर इस चीज को जी। आर्ट को भी थोड़ा, आर्ट को जरा अलग तरीके से मैं वैल्यू करती हूँ, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी कि कितना जरूरत है और कितना संग्रह के तौर पे आ जा रहा है। अच्छे इनपुट्स मिले सर आपसे, शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया दीदी, इसको और ऑब्जर्व करें। तो एक मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी हम इसको देख लें कि कितनी है ना, जैसे कपड़े हम हटाते हैं, कितने कपड़े ऐसे हैं जो हम फटने के बाद या फिर छोटा हो जाने के बाद हटाते हैं, और कितने कपड़े ऐसे हैं जिसको हम सिंपली फैशन से जाने के बाद हटा देते हैं। तो आप सभी जो कि इस कंटेंट से जुड़े हुए हैं तो ये संख्या कम मिलेगी, परंतु ऐसा हो सकता है कि इससे पहले काफी हद तक वो प्रवृत्ति हमारे अंदर रही जी। कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, इससे पहले एक प्रश्न था हेडोनिज्म को लेकर, एक प्रश्न था चार्वाक को लेकर, हाउ टू रिकंसाइल चार्वाक फिलॉसफी हेडोनिज्म विच फोकसेज ऑन मेटेरियल परस्यूट्स। हाँ, तो उसका मूल्यांकन करेंगे। तो चार्वाक का एक ना प्रसिद्ध दोहा है, श्लोक है बेसिकली, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्ता घृतम पिबेत, कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, कर्ज उठाकर भी घी पिएंगे, तो ऐसा कार्यक्रम तो निरंतर सुख का आधार नहीं बन सकता। तो इन सब बातों का मूल्यांकन करेंगे। ऐसे भी समाज ने उस चीज को स्वीकारा नहीं है, तो समाज में तो समृद्धि को ही लोगों ने अगर देखें तो सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, भले इसको ठीक से समझ नहीं पाए, तो हम कर्ज उठाकर क्यों घी पिएंगे, हम सुख के एक निश्चित कार्यक्रम बनाएंगे, ठीक, हम संबंध पूर्वक जिएंगे, समझ को सुनिश्चित करेंगे जी। गुड मॉर्निंग भैया, जैसे आपने घर की सुविधा चेक करने का एक असाइनमेंट दिया था, उसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे कॉलोनी में एक मकान बन रहा है, फोर स्टोरी बिल्डिंग बन रही, तो जो घर में रहने वाले जो बना रहे हो मकान, वो दो लोग है और एक उनकी एक लड़की है, उनका एज अबाउट 60 to 62 है। मैंने उनको पूछा कि आप दो ही लोग है और लड़की शादी के योग्य है, वो शादी हो रही है उनकी, तो फिर आप दो लोगों के लिए इतना 4 स्टोरी बिल्डिंग क्यों बना रहे, हर एक इसमें बेडरूम्स, हर एक स्टोरी पे बेड, सेपरेट बेडरूम्स, किचन, ड्राइंग रूम्स वगैरह, तो आपको एज के हिसाब से चलना और मेंटेनेंस भी नहीं होगा। तो उन्होंने जो आंसर दिया वो थोड़ा प्री कंडीशन पे दिया, वो बोले कि हमारे जो भाई लोग है वो सबके, उनके सबके मकान 4 स्टोरीड है, सेपरेट बिल्डिंग 4 स्टोरीड है, तो उसी कारण हम बना रहे। मैंने बोला आप बना तो रहे लेकिन आपकी आवश्यकता नहीं है, तो समझ नहीं पा रहे। ऐसी जो स्ट्रॉन्ग प्री कंडीशनिंग सोसाइटी में, उसके कारण बहुत सारे ऐसे जो चीजें नहीं खरीदना चाहिए, जो नहीं बनाना चाहिए, और वो बनाते जाते हैं लोग, और समृद्धि का भाव नहीं होता है उनके इसमें। ये एग्जाम्पल सभी को शेयर करने के लिए, कैसी प्री कंडीशनिंग होती है,
ये बताने के लिए मैं थोड़ा आपको आपके नजर में लेके आया सर। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। तो समय हो चला, जिन लोगों के अभी हम लोग प्रश्नों को नहीं ले पाए उनको कल लेते हैं, और आज के लिए असाइनमेंट ग्रुप में देखें तो अपने आप में इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि जो सेकंड शिफ्ट है उसके लिए हम अपनी कितनी तैयारी देख पा रहे हैं। एक तो जो पहला शिफ्ट है जो एक टू से हमें मिला वो कितना सुनिश्चित हो पाया है, उसके लिए कल हमने असाइनमेंट लिया ही था। अभी जो फर्दर शिफ्ट है उसके लिए हम अपने आप में कितनी तैयारी देख पा रहे हैं, है ना। और यदि नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो जिन लोगों ने सिर्फ यूएचवी वन किया है और यूएचवी वन का वर्कशॉप ही अगर हो रहा है तो अगर अवसर मिले तो उसको रजिस्टर कर लें, दोबारा अटेंड कर लें, नहीं तो यूएचवी टू का वर्कशॉप होता है उसको अटेंड कर लें, तो उससे हमारी और तैयारी बढ़ेगी। क्योंकि आगे हम इन शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे और ये कंटेंट आपको कठिन ना लगे, क्लिष्ट ना लगे, इसलिए जरूरी है थोड़ी और तैयारी आपकी हो जाए। इसको एक बार हम आकलन कर लें अपने आप में ये सेकेंड शिफ्ट के लिए, है ना, और नहीं तो उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं उसको देख लें। आज के लिए असाइनमेंट रहेगा जी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतनी बात है।